कि जिन लोगों की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर हैं, उनमें दो शख्सियत जो सबसे अहम है, जिनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले, और एक तीसरी शख्सियत और है जिनकी की आज शहीद दिवस है, बीपी मंडल साहब। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के एक बड़े तबके को आवाज देने की कोशिश की, एक बड़े तबके को मोबिलाइज किया, उसे अपने हक और हुकूक के लिए जागरूक करने का काम इन लोगों ने किया कि बाबा साहब के होने का क्या मतलब है हमारे लिए, एक स्टूडेंट होने के नाते बाबा साहब का क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए है, एक इंडिविजुअल है, एक समाज के हम जिस पेरिफेरी से आते हैं, जिस ढांचे से हम लोग आते हैं, वहां बाबा साहब के क्या मायने, हम सब लोग जानते हैं। ये जिस तरीके की लड़ाई बाबा साहब ने उस दौर में लड़ी थी, लगभग उसी तरीके की लड़ाइयां आज भी हमारे देश में लड़ी जा रही है। जिस जाति के खिलाफ, जिस धर्म के ढांचे के खिलाफ बाबा साहब ने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया था, उस पूरी की पूरी लड़ाई को समझिए तो पता चलेगा एक ऐसा समाज इस देश में रहा है जहां एक इंसान को दूसरे के बराबर नहीं समझा जा रहा था, एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण कर रहा था, एक समाज दूसरे समाज का शोषण कर रहा था। उस शोषण के खिलाफ और उस पूरी की पूरी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने एक लड़ाई उस दौर में छेड़ी थी जो आजादी से पहले थी और आजादी के बाद में भी चलती रही। हमें उम्मीद थी कि आजादी के बाद वो लड़ाई शायद हमें नहीं लड़नी होगी, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जाति के खिलाफ, सामंती व्यवस्था के खिलाफ ये लड़ाई आज भी चल रही है। अभी आप ही के स्लोगन में आप सब ने रोहित वेमुला को याद किया था, अभी किया। कौन सी लड़ाई रोहित इस देश में लड़ रहा था, किस तरीके की लड़ाई थी, कौन सी व्यवस्था थी जो रोहित को अपने सपने को पूरा करने से रोक रही थी, ये वही व्यवस्था थी जिसके खिलाफ बाबा साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के जितनी उम्मीदें थी, वो आज तक हम लोग वो सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जात के नाम पर किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन, चाहे समाज के भीतर हो, चाहे कैंपसेज में हो, जारी है। हमने कुछ दिन पहले दर्शन सोलंकी की डेथ के बारे में सबने सुना था। हमें याद है रोहित वेमुला, हमें याद है इंद्र मेघवाल, हमें याद है पायल तड़वी, अनिल मीणा। ये वो लोग हैं जो इस शोषणकारी जातिवादी व्यवस्था के चलते इस देश ने उनकी जान ले ली, इन संस्थानों ने उसकी जान ले ली, और वो लगातार इस तरीके के घटनाक्रम चल रहे हैं। ये व्यवस्था हमें ये सोचने पर बार बार मजबूर करती है कि हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उसे अभी भी लड़े जाने की जरूरत है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जात की जो बात आती है, एक बार का वाक्या है, 1968 की साल थी, बीपी मंडल साहब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, मात्र लगभग एक महीने के लिए उनका मुख्यमंत्रीशिप का कार्यकाल था, और उस दौरान एक दुर्घटना हुई। बिहार में एक रिफाइनरी से जो है केमिकल रिलीज हुआ और गंगा नदी में बहता हुआ आ गया, और उस समय उस रिफाइनरी जो तेल जो केमिकल निकला था उसमें आग लग गई, मींस गंगा नदी में जो मिलकर गया तो पानी में भी आग लगी उसमें। कहा गया विधानसभा के भीतर, कहा गया बीपी मंडल साहब के सामने, कहा गया, उन्हें कहा गया कि जैसे ही एक शूद्र जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा है, वह तैसे ही जो है गंगा नदी में आग लगने लग गई। आग का होना उन्हें बर्दाश्त नहीं है, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आप उनके बराबरी करें, आप उनके बराबर से बैठे। आप देख लीजिए उस पूरी की पूरी लड़ाई को जिसको बाबा साहब लड़ रहे थे, चाहे वो दलितों के केस में हो, चाहे वो महिलाओं के केस में हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, या किसी और सेक्शन का मामला हो, संविधान की पूरी बहस उठा करके देख लीजिए, वहां आपको पता चलेगा कि किस तरीके की लड़ाई वहां पर चल रही है। तो वो जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो लड़ाई हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पुरखों के जाने के बाद आज भी हमारे लोग लड़ रहे हैं। हमें याद है इंद्र मेघवाल का केस क्या था, क्या गुनाह था उस स्टूडेंट का, क्या किया था उसने,
एक पानी के मटके से जाकर के पानी पी लिया, यही गुनाह था ना। लेकिन उसको इतना भारी पड़ा कि उस मटके में पानी पीने के चलते उसे पीट पीट करके मार दिया गया। आज तक इंद्र मेघवाल के परिजन न्याय के लिए भटक रहे हैं। क्या हुआ पायल तड़वी का, जो एक भील डॉक्टर थी? आज भी उसके हत्यारे खुलेआम अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो तीनों लड़कियां छूट गई, लेकिन आदिवासियों ने एक बेहतरीन डॉक्टर खो दिया। रोहित वेमुला के जो हत्यारे हैं, वो आज की तारीख में आप देखेंगे आपके कैंपस में दिल्ली विश्वविद्यालय में जेएनयू में नौकरी पा रहे हैं। कुछ लोगों को जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, उनमें से कुछ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी पाई है, अभी पाई है, कुछ जेएनयू में पा गए। और हमारे लोग आज भी उसी तरीके से उन्हीं जगहों पर मौजूद है। वो अभी भी अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है कास्ट का, उस ढांचे में आप देखिए, आए दिन खैरलाल जी की घटना आप सब याद कीजिए। खैरलाल जी में क्या हुआ था? महाराष्ट्र के भीतर एक दलित महिला जिसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, वही अपर कास्ट के लोगों ने कब्जा कर लिया, और जब जमीन छुड़ाने के लिए वो महिला जाती है, उसे और उसकी बेटी के साथ रेप किया गया, मार दिया गया। बाकी और लोग जो प्रोटेस्ट में गए, सबको मारपीट करके जो है भगा दिया गया। 20 साल तक वो मुकदमा उस लड़की का पिता और उस औरत का हस्बैंड लड़ता रहा। 2016 में उसकी डेथ हो गई, लेकिन खैरलाल जी के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, आज तक चल रहा है। आज भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाएगा, कहीं बारात की सार्वजनिक रास्तों से निकासी नहीं करने दी जाती। यही वो लड़ाई है जिसे हमें याद करने की जरूरत है। जिस तरीके का समता मूलक समाज बनाने की लड़ाई हमारे पुरखे लड़ रहे थे, वो समता मूलक समाज भले संविधान में उसकी सारी की सारे प्रोविजंस किए गए, लेकिन वो हमें आज भी ग्राउंड पे नजर नहीं आता, क्योंकि हम आए दिन कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन अपने साथ फेस करते हैं। हम देखते हैं इंटरव्यू में, जब आप कोई चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो, चाहे पीएचडी एमफिल वगैरह के एडमिशन के लिए इंटरव्यू में जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का भेदभाव आपके साथ किया जाता है। इसलिए ये लड़ाइयों को लड़ते रहने की जरूरत है, इसलिए इन सब चीजों को याद करने की जरूरत है। बाबा साहब के गुरु जिन्हें कहा जाता है आइडियोलॉग महात्मा फूले, कौन सी लड़ाई इस देश में लड़ रहे थे फूले साहब, या उनकी पार्टनर सावित्रीबाई कौन सी लड़ाई इस देश में लड़ी थी? तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस तरीके का धर्म का जो आडंबर था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। महिलाओं के लिए पहला इस देश में स्कूल खोलने का काम सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने किया था, किसी और ने नहीं किया था। महिलाओं के लिए पहला स्कूल पुणे में 1848 के आसपास खोला गया, और आज देख लीजिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में महिलाओं की संख्या लगभग मेजोरिटी में मेल स्टूडेंट से ज्यादा है। ये उन्हीं की करामात थी, अदरवाइज हमारे यहाँ के सिस्टम में तो ये था कि दलित और महिलाओं के कान में तो पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। ये हमारे आइकॉन्स की बदौलत है कि हम यहां तक पहुंच पाए। अगर वो नहीं होते तो हम दावे के साथ कहते हैं कि हम भी यहां पर नहीं होते, या जितनी भी महिला है वो भी नहीं होती। अगर उस दिन वो स्कूल नहीं खुला होता, वो स्कूल उस दिन जब खुला, तो उसके बदौलत आज हम लोग यहां पर हैं। आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को भी बराबरी का हक और हुकूक मिलना चाहिए। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और कौन कौन सी लड़ाइयां उस दौर में लड़ी गई? विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए लड़ाई लड़ी गई ना। आज जाकर के आप देखेंगे तो थोड़ा सा नॉर्मलसी एस्टेब्लिश हुआ समाज के भीतर कि कोई महिला कोई पुरुष जो है फिर से अगर अपना पार्टनर उसका खत्म हो गया या किसी और वजह से है, तो वो फिर से शादी कर सकता है, और उसको थोड़ा सोशल एक्सेप्टेंस है। वो इन्हीं लड़ाइयों के चलते हैं।
अदरवाइज जिस तरीके का पूरा ढांचा रचा गया और धर्म के नाम पर जिस तरीके का गोरख धंधा इस देश में चलाया गया, उस धंधे को देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का, एक समाज द्वारा दूसरे समाज का शोषण लगातार किया जाता रहा। कुछ एक बातें हैं जो मैं कोट करना चाह रहा हूं, ये उन्हीं की किताब थी गुलामगिरी, और गुलामगिरी में वो कुछ बातें कहते हैं। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पंडा पुरोहितों ने, वो इनके कोटेशन है, पंडा पुरोहितों ने जिस तरीके से अपना वर्चस्व कायम किया है, उसकी दृष्टि से उन्होंने सबसे पहले यहाँ शूद्र अतिशूद्र, उन्हीं के टर्म है, उन्हें सबसे पहले सत्ता से बाहर किया, और फिर उन्होंने जो है काल्पनिक ग्रंथों की रचना की, और उन ग्रंथों के जरिए इन शूद्र अतिशूद्र लोगों को मूर्ख बनाया गया और लगातार बनाया जाता रहा, और एक तरीके से उन्हें मानसिक गुलाम बना लिया गया, और इन बनावटी ग्रंथों के जरिए दरअसल जो उसमें की एक झूठा प्रचार किया गया कि ईश्वर सबका है, लेकिन उस पर कॉपीराइट कुछ और लोगों ने रखा, और उस कॉपीराइट के जरिए आपको लगातार नीचे धकेल दिया गया, आपसे आपके सारे रिसोर्सेज छीन लिए गए। एक वाक्य आप सब लोग जानते हैं, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी याद है किसी को? बैटल ऑफ प्लासी के दौरान जब आप देखेंगे तो क्लाइव जब अपनी आर्मी लेकर के मैसूर से बंगाल तक आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी लगभग 3000 की एक पुलिस की टुकड़ी थी जो मैसूर से पैदल पैदल बंगाल तक आई थी, और उसमें जब वो आई तो सेफली बंगाल तक पहुंच गई। उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था अपनी डायरी में, और उन्होंने कहा था कि ऐसा क्या बात है कि हम लोग मैसूर से वहां तक बंगाल तक पैदल पैदल आए, लाखों की भीड़ थी जिन्होंने हमें देखा, लेकिन किसी ने हमें टच तक नहीं किया, किसी ने हमारे ऊपर एक पत्थर कंकर तक नहीं मारा, ये क्या वजह है कि लोगों ने, किसी ने हमारा प्रतिरोध नहीं किया, वो सीधे प्लासी में जाकर के लड़ाई लड़ते हैं। उस डायरी में ये जो सवाल था, उनकी बेटी जो लगभग 30-40 साल बाद वापस जब आती है और वो इसका आंसर देती है कि ये कास्ट सिस्टम था जिसके चलते उनके ऊपर हमला नहीं हुआ, क्योंकि कास्ट ने ये तय कर रखा था कि कुछ खास लोग हैं जिनका काम है लड़ना, बाकी कुछ लोगों का काम तो खेती करना था, मेहनत मजदूरी करना था। ये वो जो सेग्रीगेशन, ये जो बंटवारा था, इस बंटवारे ने दरअसल हमारे रिसोर्सेज से बाहर कर दिया गया, हमें इस देश के जो हिस्सेदारी थी उस हिस्सेदारी से बाहर किया गया, और वो लगातार आज भी हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे तो लगातार देखिए कि किस तरीके से सबसे ज्यादा लैंडलेस लोग किस कम्युनिटी से आते हैं, भूमिहीन लोग कहां से हैं, या तो मैक्सिमम दलित हैं या आदिवासी या पिछड़े तबके के लोग हैं जो लैंडलेस लोग हैं। कौन लोग हैं जिन्हें टॉप लेवल पर ब्यूरोक्रेसी में शामिल नहीं किया गया, तो इसी तबके के लोग। इसीलिए इन सवालों को उठाना बहुत जरूरी है यहां से। दूसरी चीज कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में जिन लोगों ने ये लड़ाइयां लड़ी, उनमें अक्सर हम लोग बीपी मंडल साहब को बहुत कमजोर करके आंकते हैं, अक्सर उन्हें भुलाने की कोशिश की जाती है। हम बाबा साहब को बड़ी मुश्किलों से, फूले साहब को बड़ी मुश्किलों से हम सबने एस्टेब्लिश किया, लेकिन ओबीसी के और जो आइकॉन्स थे या आदिवासियों के जो आइकॉन्स है, उन सबको हमने बहुत दूर कर दिया, उनको इग्नोर किया या उनको एक्सेप्टेंस नहीं दिला पाए। तो ऐसी सिचुएशन में बीपी मंडल साहब वो व्यक्ति है जिन्होंने एक इस देश के मेहनत कश कौम जो थी, किसान कौम जो थी, जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही थी, उन सब की आवाज को बुलंद किया था, और उन्होंने जिस तरीके की सिफारिश इस देश की सरकार को की थी, उसमें से तो सिर्फ एक हिस्सा लागू हुआ था ना, रिजर्वेशन वाला, बाकी सारी सिफारिशें तो अभी तक लागू नहीं हुई। लेकिन आज देखिए किस तरीके से वो तबका अभी भी अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहा। तो ये जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो जिन लोगों की कोई नुमाइंद भी नहीं थी, उन लोगों को जो हिस्सेदारी दिलाई, उस हिस्सेदारी को, उस व्यक्ति को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और न ही हमें आदिवासियों को भूलना चाहिए।
अभी दो दिन पहले खाजा नायक का भी शहादत थी। ये वो शख्सियत है जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान मालवा उस रीजन में अंग्रेजी हुकूमत को खत्म कर दिया था। ये भील समाज के लोग, और ऐसे बहुत सारी शख्सियतें हैं इस देश में जिन्होंने इस देश को बनाने में, इस देश की नींव को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दिया था। इसीलिए उन सबके संघर्षों को याद करने की जरूरत है, और यह भी याद करने की जरूरत है कि हम उस काम से आते हैं, उस मेहनत का स्वर्ग से आते हैं जिन्होंने खून और पसीने से इस देश की नींव डाली गई है। इस देश को बनाने में हमारे पुरखों का खून और पसीना शामिल है। कुछ लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। इस देश को हमें बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ये देश हमारा है। वो लोग तो उनमें से कुछ लोग छोड़ करके, लूट करके, भाग करके विदेश चले जाएंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारे पुरखों का देश है, हम ही इसको बचाएंगे, चाहे वो फासिस्ट ताकतें हो, चाहे सांप्रदायिक ताकतें हो, उन सबसे हमें बचाना है इस देश को। इस चीज को भी याद रखने की जरूरत है। और जो लोग बाबा साहब का या फूले साहब का या और तमाम हमारे जो आइकॉन्स का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने, देखिए किस तरीके से पंजाब के भीतर किया। पंजाब में उन्होंने भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीरों का घोषणा की कि हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर लगेगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ बाबा साहब और भगत सिंह को तस्वीर में ही समेट करके रख दिया, उनकी जो लड़ाई थी उसे धकेल दिया पीछे, बाबा साहब के कदमों पे। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी चल रही है, पोस्टर लगा, नहीं चल रही। बाबा साहब के असली वारिस हम लोग हैं, भगत सिंह के असली वारिस हम लोग हैं, हम उनके सपनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये फर्जी लड़ाई लड़ी जा रही है, उनकी मजबूरी हो गई है। दरअसल उन्हें पता है कि बाबा साहब को, भगत सिंह को, महात्मा फूले को, मंडल साहब को, बिरसा को, जयपाल को इग्नोर करके वो कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए हमें इस बात को इंश्योर करना है कि ये जो हक और हुकूक की लड़ाई है, जब तक हमें बराबरी का हक और हिस्सेदारी नहीं मिल जाती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे संसाधनों में हो, चाहे नौकरियों का मसला हो, चाहे किसी और चीज का मसला हो। अभी देखिए किस तरीके का मसला चल रहा है। लेटरल एंट्री की प्रोसेस 2019 में इस देश में शुरू की गई। कहा गया कि डायरेक्टली सरकार जो है अपने लिए सेलेक्टिवली अपने लिए ब्यूरोक्रेट चुन सकती है, और ब्यूरोक्रेट में उन्होंने सीधे आईएएस नहीं, आईएएस से भी सीनियर लेवल पर उन्होंने सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर अपॉइंट किए, बिना परीक्षा के किए। आपको अगर कोई किसी को आईएएस आईपीएस बनना होता है तो सबसे पहले कई सालों तक कोचिंग संस्थानों के चक्कर लगाते हो या घर में बैठ के पढ़ाई करते हो, फिर एग्जाम पास करते हो, इंटरव्यू देते हो, और उसके बाद कई साल के बाद उस लेवल पर पहुंचते हो। वहां सरकार ने अपने लोगों को, अपने जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उन सबको सीधा सेक्रेटरी बना दिया गया। और अब तो कहा जा रहा है, यूजीसी कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज में भी इसी तरीके की लेटरल एंट्री होगी। अब आप बताइए, पहली दफा इस देश के एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन में खास करके बात करें, तो एसटीएससी का रिजर्वेशन ही 1997 में शुरू होता है। उससे पहले तो रिजर्वेशन ही नहीं है। ओबीसी रिजर्वेशन जो है 2006-07 से शुरू हो रहा है, और अभी 2023 आया है। 20-25 साल एसटीएससी को हुआ है, और इधर 15 साल ओबीसी को हुआ है, और आप कह रहे हैं लेटरल एंट्री शुरू होगी। अभी तक किसी यूनिवर्सिटी के भीतर ओबीसी को उसका पूरा हक नहीं मिला। जितने टीचर्स रिक्रूट होने चाहिए थे वो टीचर्स रिक्रूट नहीं हुए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उन बच्चों के लिए होना चाहिए था वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। तो हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। हमारी लड़ाई सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि रिजर्वेशन की लड़ाई है। ध्यान रखिए, रिजर्वेशन सिर्फ एक टूल है, सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी जमीन है, हमारे रिसोर्सेज, हमारे जंगल, हमारी खदान, सब पर हमारी हिस्सेदारी है। इस धरती से लेकर आसमान तक
जितनी भी हमारी टेरिटरी इंडियन टेरिटरी उसमें हमारी जितनी हिस्सेदारी है जनसंख्या उसके हिसाब से हमारी हिस्सेदारी है। और उस हिस्सेदारी की ये लड़ाई है, उस हिस्सेदारी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज देखिए कि किस तरीके से आदिवासी अपने जल जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो लड़ाई हमारी लड़ाई से बिल्कुल अलग नहीं है। हम भी उसी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लोग भी उसी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल मत भूलिए कि किस तरीके से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, इस पूरी की पूरी आदिवासी बेल्ट में सरकार ने एक जंग छेड़ रखी है। सरकार ने दूसरी जंग आज यहाँ भी छेड़ रखी है कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के जरिए सारे रिसोर्सेज को प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया, जंगल बेच दिए, खदान बेच दी, नदी पहाड़ सब बेच दिए। और अब तो बेचते बेचते उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर सड़क तक सारे रिसोर्सेज बेच दिए। ये देश हमारा था, हमारे पुरखों ने बनाया और अब हमारा है, हम इसे बेचने नहीं देंगे। ये याद रखिए, जितना कुछ बेचा जा रहा है ये सब आपके हिस्से का है। तो हमें इन रिसोर्सेज को बचाने की लड़ाई लड़नी है, इन रिसोर्सेज में हिस्सेदारी मांगने की लड़ाई लड़नी है। और तभी शायद सही मायनों में हम अपने जो रिवोल्यूशनरीज हैं उन सब के सपनों को पूरा कर पाएंगे, उस लेगेसी को आगे ले जा पाएंगे। मुझे बस इतना ही कहना, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, फूल जोहर, जय मंडा।